खबर आपको बताते हैं, फर्जी वोट को लेकर पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। पूंछ विकास खंड के बूथ 61 पर हंगामा हुआ। फर्जी वोट को लेकर आपस में समर्थक भिड़ गए। पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहे। कोंच विकास खंड के ग्राम भीमता का मामला, जहां पर फर्जी वोटों को लेकर हंगामा देखने को मिला। जालौन से जहां पर फर्जी वोट को लेकर पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। कोंच विकास खंड के बूथ 61 पर हंगामा देखने को मिला। जालौन से हमारे सहयोगी अनुज कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। अनुज, जालौन से जो पूरा मामला सामने आया है फर्जी वोटों को लेकर, क्या कुछ अपडेट देंगे? मेरा बिल्कुल बता दूं कि ये कोंच विकास खंड के बूथ संख्या 61 ग्राम भैपता का मामला है, जहां पर कुछ लोगों ने फर्जी वोट और पीली पर्ची को लेकर हंगामा किया है। और हंगामे की तस्वीरें आपको साफ देख सकते हैं कि उसमें हंगामे की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लगातार हंगामा चल रहा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि हंगामा लगातार कुछ देर तक होता रहा था, जिसके बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये भैपता गाँव है जहाँ पर ये हंगामे की तस्वीर आई हुई थी, बूथ संख्या 61 पर, जहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग फर्जी वोट डाल रहे हैं और पीली पर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया था, है ना। वहीं दूसरी तरफ अनुज, इस वक्त की अगर बात करें, कितनी परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है, कितनी बड़ी तादाद में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बता दूं कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहां पर मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं। इस समय 9 बजे तक का जो रेशियो है, 8.5% यहाँ पर पोलिंग बूथ पर मतदान हो चुका है, क्योंकि जालौन में 10,61,051 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें 25 जिला पंचायत, 630 क्षेत्र पंचायत और 574 ग्राम पंचायत के लिए मतदान हो रहा है। अभी हम बता दें कि इस समय क्षेत्राधिकारी कोच भी मौजूद हैं, यहां पर आए हुए हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। जिस तरीके से हंगामा हुआ था, हम क्षेत्राधिकारी से पूछेंगे, सर किस तरीके से ये मामला सामने आया था, बात हो रही है। यहां पर अधिकारी कह रहे हैं कि अभी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मामला गंभीर है। यहां पर पूरा देख सकते हैं कि आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर अधिकारी मौजूद हैं, अधिकारी बात कर रहे हैं। सर लाइव चल रहा है, देखिए सर कह रहे हैं, चलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तस्वीर ना दिखाई है, क्योंकि देख लेंगे ना, तब आपको बताएंगे क्या सही बात है। सर बूथिंग पे हंगामा हुआ था, कुछ तस्वीरें आई थी यहाँ पर, देखिए है ना। बिल्कुल बता रहे हैं कि अधिकारी कह रहे हैं कि आप देख के बाहर जाइए, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। जिस तरीके की तस्वीरें आई थी, बेहद ही यहाँ पर गंभीर है, मामला गंभीर है, इसीलिए अधिकारी यहाँ पर लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला बढ़ा है। चलो बाहर, है ना, गेट के बाहर चलो। से आप पोलिंग बूथ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हंगामे के बाद किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में लिया गया, लेकिन आपको रिपोर्टिंग करने से वहां पर रोका जा रहा है। क्या वजह है अनुज की रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है? आखिर मीडिया वालों के पास पूरा हक है कि वो पोलिंग बूथ की सच्चाई दिखा सके। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर लगातार रोक रहे हैं, केवल तस्वीरें हैं यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है मामला, इसीलिए पुलिस अधिकारी रिपोर्टिंग करने से रोक रहे हैं ना। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनुज।